तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नई वीडियो में, जिसमें हम आज आपके लिए 3 BHK में बना हुआ शानदार लग्जूरियस विला लेके हैं, जो कि आपको बेसमेंट के साथ मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, मैंने आपके लिए खूब सारे विला तो लेके आए, पर जो बेसमेंट वाला विला पहला होने वाला काफी लग्जूरियस है, जो कि आपको गेटेड टाउनशिप मिलने वाला है। लोकेशन की हम बात करें तो ये हमारा गांधीपत वेस्ट रॉयल एक्सोटिका में गंगा कोटक ग्रुप नाम से हमारा जो ये प्रोजेक्ट है वो होने वाला है वैशाली स्टेट में। जैसे मैंने आपको बताया लोकेशन, साथ में आपको जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा लोकेशन। उसके बाद यहाँ पर हम विला की बात करें तो ये हमारे 100 गज से लेकर 250 गज तक सारे विलाज हमारे होने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी जो प्राइसिंग रहने वाली है वो रहने वाली है 75 लाख से लेकर 2 करोड़ तक हमारी जो है यहाँ पर प्राइसिंग जाएगी विलाज की। साथ में गेटेड टाउनशिप में जैसे मैंने आपको बताया 100 विला की यहाँ पर जो आपको टाउनशिप मिल जाएगी। उसके बाद एमिनिटीज़ की हम बात करें तो वो आपकी रहने वाली है किड्स प्ले एरिया, साथ में जिमनेजियम, अपना क्लब हाउस, स्विमिंग पूल और 40 और 30 फीट यहाँ पर हमारी रोड होने वाली है विला के सामने की। और अपनी जो फेसिंग है अपने वो रहने वाली ईस्ट, नॉर्थ और साउथ फेसिंग, ठीक है। JDA अप्रूव सारे अपने विला है, 80% अगर लोनेबल है। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारा विला, तो आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देख लीजिए यहाँ पर जो हमारा लिविंग आ जाता है, पर उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारा बाहर का व्यू। तो आइए मैं आपको जो हमारे बाहर का व्यू दिखाता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले चलता है हमारे बाहर और देख लीजिए यहाँ पर आ जाता है हमारा ये विला। और देख लीजिए बाहर से कुछ ऐसा जो है व्यू हमारे विला का दिखाई देता है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। फ्रंट ये हमारा रहने वाला है 18.5 का, एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। फ्रंट अपनी जो डायमेंशन रहने वाली वो अपने रहने वाली है 18.5x49 की अपनी जो ये डायमेंशन रहने वाली है। आप देख लीजिए हमारे विला का फ्रंट एलिवेशन कुछ ऐसा रहने वाला है, पूरे देख लीजिए लगातार विला ही विला बने हुए अपने सारे जो गेटेड टाउनशिप में अपने विला जिसमें आपको दिखाया। उसके बाद ये जो रोड है हमारी, ये 30 फीट की रोड है, जिधर आपको जो हर विला के बाहर देख लीजिए आपको गार्डन मिलता है छोटा सा एक, साथ में इधर जो है किड्स प्ले एरिया भी है जैसे मैंने आपको बताया। साथ में अपनी जो मेन एंट्रेंस है वो है अपनी 40 फीट की, ठीक है। तो यह मैंने दिखा दिया आपको बाहर से हमारा विला, तो अब दिखाते हैं आपको अंदर से, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल काफ़ी सुंदर विला हमारा होने वाला है। तो आइए चलते हैं अंदर। तो देख लीजिए यहाँ आ जाते हैं हमारी विला की एंट्रेंस, और जैसे आप एंटर होंगे तो यहाँ आ जाता है हमारा लिविंग एरिया। और देख लीजिए कितना खूबसूरत हमारा लिविंग एरिया है यार भाई साहब, देख लीजिए कितना खूबसूरत यहाँ पर आपको लिविंग एरिया मिलता है। जैसे आप एंटर होंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाता है अपना एक सोफा, साथ में अपनी जो है एक टेबल, जिधर आप अपने जो गेस्ट हैं वो इधर आप जो बिठा सकते हैं, वो आते ही जो है काफ़ी खुश होंगे भी इतने सुंदर विला को देख के, और आपका भी दिल खुश होने वाला है जो कि आप इस वीडियो को देखेंगे तो, ठीक है। देख लीजिए काफ़ी सुंदर से यहाँ पर आपको जो पूरा ब्यूटीफुल सा लिविंग एरिया का वर्क करके दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर उसके सामने आए जस्ट हम, तो देख लीजिए यहाँ पर आ जाते हैं हमारी डाइनिंग टेबल, जो कि हमारी 5 सीटर डाइनिंग टेबल होने वाली है। साथ में देख लीजिए पूरा मार्बल का हमारे जो है डाइनिंग टेबल का पूरा काम है, काफ़ी ब्यूटीफुल सी ये हमारी डाइनिंग टेबल है। उसके जस्ट पीछे हम देखें तो यहाँ पर आपको जो वॉश बेसिन बना के दिया गया है, साथ ही जो हमारी प्रीमियम ब्रांड्स की यहाँ पर जो फिटिंग यूज़ की गई है। साथ में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो अपना बास भी रखा गया है, और ये अपनी जो नीचे वार्डरोब जो अभी आपको दिख नहीं रही, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो ये आपको बिल्कुल सेमी फर्निश कंडीशन में ये जो विला है आपको मिलने वाला है, जो मैंने प्राइसिंग बताई सेमी फर्निश कंडीशन की रहने वाली है। ये आपको जो फुल फर्निश दिख रहा होगा तो ये खाली डिजाइनिंग के लिए, ठीक है। तो आप एक बार इधर आएंगे तो उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जस्ट सोफा के सामने यहाँ पर आपको जो LED पैनल मिलता है, जो कि आप देख सकते हो पूरा वुडन का काम है। साथ में इसलिए कितना खूबसूरत यहाँ पर आपको LED पैनल मिलता है, जहाँ पर आप अपनी चाहें तो बड़ी से बड़ी LED यहाँ पर आप लगा सकते हैं, ठीक है। और देख लीजिए कितना सुंदर हमको काम करके दिया है, कलर कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ पर हमारा कलर कॉम्बिनेशन है। अब चलते हैं हम हमारी किचन में, जो कि यार काफ़ी बढ़िया है, आओ यार दिखाई देते हैं। तो डाइनिंग टेबल की जस्ट सामने यहाँ जाती है हमारी किचन, जो कि हमारी फुल्ली मॉड्यूलर किचन होने वाली, जो कि आप देख सकते हैं एल शेप में अपनी जो है किचन है। सनलाइट पूरी देख लीजिए यहाँ से आती है, हमारी वेंटिलेशन पूरा काम है, इधर अपनी विंडो दी गई है साथ में, ठीक है। अपनी एल शेप में किचन जैसे मैंने आपको बताया ग्रेनाइट का पूरा फिनिशिंग है, इधर आप देख सकते हैं अपनी पूरी जो है चिमनी लगा के दी गई है, इधर अपने जो है पूरी वार्डरोब है, वार्डरोब का स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए कुछ ऐसा आपको जो है काफ़ी अच्छा खासा स्पेस में यहाँ पर आपको जो है अपनी वार्डरोब मिलने वाली। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको जो है काफ़ी अच्छी खासी साइज में अपनी जो वार्डरोब है मिलने वाली है, देख लीजिए। इधर आप अपने बर्तन रखेंगे तो कोई भी आपको जो दिक्कत नहीं होने वाली। साथ में इधर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर आ जाती है हमारी गैस, जो चूल्हा मिलता है आपको, तो कुछ ऐसी जो है अपनी डिज़ाइन आप देख कर सकते हैं अपने किचन को, ठीक है। तो पूरा अपने जो है टाइल्स का पूरा काम है। उसके बाद यहाँ पर आप दिखाऊँ तो यहाँ पर आपने आ जाता है सिंक, जो कि आप देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा यहाँ पर आपको सिंक मिल जाता है। उसके जस्ट बाहर ही हमारी जो विंडो, तो जब आप खोलेंगे तो आपको जो है अच्छी खासी हवा ही पूरा जो बहेंगे। तो अब चलते हैं हम हमारे
पहले बेडरूम में, उसके बाद दिखाऊंगा आपको बेसमेंट जो कि काफ़ी खूबसूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हमारा ये बेडरूम, फर्स्ट बेडरूम तो आइए। अरे रुको रुको रुको, इससे पहले अपने यहाँ ऊपर की फॉल सीलिंग दिखाना तो भूल गया। देख लीजिए कितनी खूबसूरत यहाँ पर आपको जो फॉल सीलिंग मिल जाती है, जो कि जो है अपने लिविंग एरिया में चार चांद लगाती है। तो आइए चलते हैं अब पहले हमारे बेडरूम में। तो देख लीजिए यहाँ पर आ जाता है हमारा बेडरूम। तो आप अगर बेडरूम में आएंगे तो कुछ ऐसा बेडरूम यहाँ पर आपको दिखाई देगा जिसमें आपको अपने एक डबल बेड का बेड मिल जाता है। और आप देखेंगे, देख लीजिए कितने प्रीमियम टाइप की यहाँ पर आपको जो है इंटीरियर का वर्क के दिया गया है, पूरा वुडन वर्क में यहाँ पर आपको जो इंटीरियर मिलने वाला है, यहाँ पर कुशन वर्क मिलने वाला है बेड के साथ, जैसे कि आप फाइव स्टार होटल्स में देखते हैं। उसके बाद अपना बेड देख लीजिए कितना खूबसूरत है, जैसे कि आप देख सकते हैं उसके जस्ट सामने अपना ये टीवी पैनल लगाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये वाला थोड़ा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा है। इधर आपको जो 32 इंच तक की LED टीवी आ जाएगी। उसके बाद मैं आपको ऊपर दिखाऊँ, देख लीजिए इधर भी आपको ये काफ़ी खूबसूरत सी अपनी जो फॉल सीलिंग मिलती है। आप इधर देखेंगे पंखा आपको मिल जाता है काफ़ी प्रीमियम ब्रांड का, देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर जो वुडन टच में अपना ये जो पंखा है। उसके बाद यहाँ पर पीछे दिखाऊँ तो यहाँ पर आपको जो AC के लिए जगह दी गई है, इधर देखिए क्लॉक भी कैसी लगाई गई है। तो ये है अपनी क्लॉक, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। उसके बाद आप इधर आएंगे तो मैं आपको जो है इधर आपको दिखाना चाहूँगा अपनी वार्डरोब। तो देख लीजिए यहाँ आ जाती है हमारी वार्डरोब, जो कि देख लीजिए काफ़ी प्रीमियम लग रही है। आप कलर देखो ये ग्रे कलर में कितनी शानदार लग रही है, पूरी अपनी वुडन वार्डरोब है। स्पेस मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए कुछ ऐसा अपना जो स्पेस रहने वाला है, काफ़ी स्पेशियस साइज में अपनी ये जो है वार्डरोब मिलने वाली है। ये दो वार्डरोब आपको मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आपको वही ड्रेसिंग टेबल अपनी आ जाती है, देख लीजिए कितना खूबसूरत यहाँ पर काम है, जैसे आप देख सकते हैं, ठीक है। साथ ही में इस बेडरूम के साथ आपको एक छोटी सी बाहर बालकनी मिलती है, उसमें चलेंगे बाद में। साथ में आपको मिलेगा अटैच वॉशरूम, जो कि आएगा हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो चलिए वो मैं आपको दिखाता हूँ। आइए तो देखिए यार, ये है हमारा अटैच वॉशरूम। वो इसकी साइज़ आप देखेंगे ना तो काफ़ी अच्छी खासी साइज़ है। यहाँ पर आप जो है अपना एक से देख लीजिए अपनी टॉयलेट सीट आ गई, साथ में इधर अपना आ गया वॉश बेसिन, देख लीजिए जैगुआर की यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम ब्रांड के जो यूज़ की वजह से मैंने आपको बताया, ठीक है, काफ़ी खूबसूरत यहाँ पर हमारा वॉशरूम है। साथ में आप देखेंगे टाइल्स का पूरा वर्क है, और फिर देख लीजिए कैसी वाइट और ग्रे की शेड में यहाँ पर आपको जो टाइल्स लगा के दी गई है। साथ में ऊपर आप देखेंगे तो कुछ ऐसी सीलिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है, उस पर आप जो पंखा भी लगा सकते हैं, पंखे का यहाँ पर जो पॉइंट दिया है। चलिए अब दिखाता हूँ आपको हमारी जो इस बेडरूम के साथ अटैच जो बालकनी है। तो आप इसको चाहे से यार छोटी सी बालकनी कह लो या फिर वॉशिंग एरिया कह लो, कुछ भी कह सकते हो। यहाँ पर आपको देख लीजिए नल की यहाँ पर जो पॉइंट छोड़ा गया, जिससे आप अपनी जो वॉशिंग मशीन लगाए तो इधर लगा सकते हैं इजिली। साथ में यहाँ पर आपको जो टैंक दिया गया है, इधर से आपका जो है जो पानी गंदा पानी वो चल जाएगा। तो देख लीजिए ये हो गया हमारा वॉशिंग एरिया, ठीक है। तो अब चलते हैं हम हमारे बेसमेंट को आपको दिखाते हैं, जो कि काफ़ी सुंदर है। चले पहले शुरू में बेसमेंट में, अब रेडी है तो आइए यार, यहाँ से जाता है हमारा बेसमेंट का रास्ता और यहाँ से जाता है हमारा फर्स्ट फ्लोर का रास्ता। तो सबसे पहले चलते हैं हम हमारे बेसमेंट में, तो आइए। तो यहाँ पर हम आ गए हमारे बेसमेंट में, तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसा हमारा बेसमेंट है। तो अगर आप इधर आएंगे तो देख लीजिए यहाँ पर इतना अच्छा जो है वॉल का हमारा काम करके दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं कैसी डिजाइन में यहाँ पर आपको जो वॉल करके दी गई है, कोई वॉल पेपर नहीं है, असली वॉल है। आप देखिए पास में आइए, मैं आपको दिखाऊँ, देख लीजिए इसके अंदर छेद किया हुआ है, कुछ ऐसी यहाँ पर आपको जो वॉल की डिजाइन बना के दी गई है, जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए जो कि हमारे जो बेसमेंट को है काफ़ी खूबसूरत बनाते हैं। उसके बाद इसके जस्ट सामने मैं आपको बताऊँ तो देख लीजिए ऐसी की ऐसी सेम टू सेम वॉल यहाँ पर बनाई गई है, जिधर आपको जो है वही कटआउट यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर जो थोड़ी प्लांट की डिज़ाइन जो की गई है, रोज की डिज़ाइन यहाँ पर आपको जो करके दी गई है। उसके बाद एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपको दिखाना भूलिया, देख लीजिए यहाँ पर आपको जो है एक और जो है सन का जैसा सजाया हुआ मिलता है, क्या बोलते हैं इसको, मेरे को नहीं पता। इधर आपको जो चार छोटे छोटे जो है बैठने के सोफे जो है छोटे छोटे सोफे यहाँ पर बना के दिए गए हैं। उसके बाद चलता है अब हमारे इस वाली साइड में, जिधर आ जाता है हमारा स्टडी एरिया कह लो या फिर कुछ भी कह लो, वो इधर आपको आ जाता है। तो देख लीजिए कुछ ऐसा जो हमारा स्टडी रूम कह लो या स्टडी एरिया कह लो, कुछ ऐसा हमारा रहने वाला है जिधर आपके बच्चे बैठ के अपनी जो पढ़ाई है वो ईजिली कर सकते हैं। बिल्कुल शांत माहौल है, और शांत माहौल में ईजिली आपके बच्चे जो पढ़ाई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जो है यहाँ पर उनकी पढ़ाई होगी। अगर आप भी कोई जो है काम करना चाहते हैं शांत में, वो इधर आप कर सकते हैं। तो देख लीजिए कुछ ऐसा जो हमारा स्टडी एरिया है, देख लीजिए यहाँ पर जो आपको पूरा वुडन का वर्क करके दिया गया है, जिसके आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए लाइटनिंग पूरी अच्छी से यहाँ पर एडजस्ट की गई है, साथ में जो है वार्डरोब भी अपनी दी गई है। अगर आप अपनी बुक्स यहाँ पर रखना चाहें, बुक शेल्फ अपनी जो है यहाँ पर बना सकते हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर जो बुक्स आपकी आ जाएगी, या फिर जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आ जाएंगे।
साथ में आपको देख सकते कुछ इस तरह से यहाँ पर जो ग्रे फिनिशिंग में आपको यहाँ पर जो सजा के दिया गया है जो कि आप देख सकते हैं। ठीक है, सामने की तरफ यहाँ पर आपको मिलता है वुडन का एक और वॉर्डरोब पहनो जिसे आप अपनी जो कुछ चीज़ सजा सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी चाहे तो वही बुक्स अपनी या फाइल्स कुछ भी यहाँ पर रख सकते हैं। तो कुछ ऐसा जो हमारा स्टडी एरिया है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे इसके जस्ट सामने जो हमारा एक तरह से कह लो थिएटर है, छोटा सा मिनी थिएटर, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मिनी थिएटर में एंटर करने से पहले यहाँ पर आपको एक पार्टीशन लगा के दिया गया है जहाँ पर आपको यहाँ पर जो ग्लास वर्क मिल जाता है जो कि जो है काफ़ी प्रीमियम बनाता है हमारे इस बेसमेंट को। आइए अंदर तो देखिए यार, ये है हमारा एक मान लो मिनी थिएटर मान लो, क्योंकि इधर आपको एक सोफा लगा के जगह है जिधर आप अपने चाहे तो गेस्ट के साथ मतलब फ्रेंड के साथ फैमिली के साथ यहाँ पर आप अपने जो है टीवी देख सकते हैं, कोई भी मूवी जो एंजॉय कर सकते हैं। जस्ट सामने यहाँ पर आपको देख लीजिए कितनी बड़ी सारी एलईडी लगी हुई है। देख लीजिए फुल साइज़ यहाँ पर आपको मेरे हिसाब से 42 इंच से भी बड़ी जो यहाँ पर आपको एलईडी मिल जाती है जो फुल साइज़ एलईडी है। इधर आप अपने देख के कोई भी जो है नेटफ्लिक्स एंजॉय कर सकते हैं, अमेजन प्राइम या कोई भी मूवी जो यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। इधर आपको मैं डिज़ाइन दिखाऊँ तो देखिए कितना सुंदर यहाँ पर आपको जो वॉल का डिज़ाइन करके दिया गया आप देख सकते हैं। कोई भी अगर आपका फ्रेंड व्रेंड या फिर कोई भी फैमिली में फैमिली मेम्बर तो यार मतलब जैसे कोई मेहमान आएगा तो इधर आप बिठा सकते हैं, उसको चाय नाश्ता करा सकते हैं, तो इधर बैठे काफ़ी खुश होने वाले। इधर देख लीजिए अब जो वॉल है इधर देख लीजिए कितना सुंदर डिज़ाइन किया गया है, मतलब कटआउट कुछ ऐसे रखे गए मैंने आज तक जो है ऐसे वॉल की डिज़ाइन तो वैसे आप देखी नहीं। देख लीजिए ऊपर आप देख सकते कितनी प्रीमियम ब्रांडिंग की यहाँ पर जो आपको लाइट्स दी गई है। आप देख सकते पूरा थिएटर जैसा माहौल यहाँ पर जो आपको बना के दिया गया है। ठीक है, तो यार कुछ ऐसा है हमारा बेसमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर आपको दिखाऊं तो देख लीजिए सीलिंग कुछ ऐसी मिल जाती है जैसे कि आपको थिएटर में मिलती है सेम टू सेम, वैसे ही यहाँ पर आपको अपनी जो सीलिंग है वो यहाँ पर आपको मिल जाती है। तो ये हो गया हमारा बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब दिखाता हूँ आपको हमारा फर्स्ट फ्लोर, तो आइए चलते हैं ऊपर। चलिए तो यहाँ हम आ गए हमारे फर्स्ट फ्लोर पर जहाँ पर आपको जो कुछ ऐसा लिविंग एरिया मिल जाता है जहाँ पर आप जैसे सीढ़ियों से ऊपर आएंगे ना यहाँ पर आपको जो सामने तरफ कुछ ऐसी जो है हमारी क्या बोलते हैं वार्डरोब कहने कुछ ऐसी वार्डरोब मिल जाती है जो कि काफ़ी डिज़ाइनदार है। इंटीरियर आप देख सकते हो कितना सुंदर है और सामने आपको जो कांच मिल जाता है राउंड शेप में जिधर भी आपको जो है से एलईडी की जो लाइट है वो दी गई है। देखिए कितना खूबसूरत है, इधर भी आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं वो लगाई गई है। उसके बाद आप थोड़ा इधर आएंगे तो यहाँ पर आ जाता है सामने तरफ आपका सोफा और देख लीजिए कितना अलग टाइप का यहाँ पर जो है अलग डिज़ाइन का यहाँ पर जो हमारा सोफा मिलता है जहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे की डिज़ाइन आप देख सकते हैं कुछ ऐसा जो इंटीरियर का हमारा वर्क है। तो आप देखिए जो प्यार इंटीरियर कितना सुंदर है। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर कुछ हमारी जो है किताब रखी रखी है बुक जिसे आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी अच्छी जो यहाँ पर ऋषि मुनि की यहाँ पर जो है बुक रखी गई है। तो यहाँ पर आ जाता है हमारे दो बेडरूम जो कि आमने सामने है, तो उस बेडरूम पर आज जो है हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले क्या करें दूसरे बेडरूम को कवर करते हैं जो कि हमारा आता है राइट हैंड साइड में, तो आइए वो मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले एक सेकंड को ऊपर आप देखिए फॉल सीलिंग में हम शायद जो दिखाना भूल जाता हूँ कुछ ऐसे हमारी फॉल सीलिंग है जैसे कि आप देख सकते। ठीक है, तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम में। तो यहाँ हम आ गए हमारे सेकंड बेडरूम में और आप देख ही सकते हो सेकंड बेडरूम कितना खूबसूरत है हमारा, नीचे से जो है अलग डिज़ाइन है। तीनों बेडरूम के हमारे जो इंटीरियर है वो जो है काफ़ी अलग अलग है ताकि आप जो देख के बोर ना हो। जिससे आप देख सकते हैं इधर आ जाता है हमारा डबल बेड का अपना बेड जो कि अपना किंग साइज़ का अपना बेड है। पीछे आप देख सकते हैं वॉलपेपर का नहीं पूरा ये जो अपना फ्लोरिंग का काम है जैसे आप देख सकते हैं ये वॉलपेपर का नहीं है पूरी जो है अच्छी से यहाँ पर जो है डिज़ाइन दी गई है वॉल। ऊपर आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पर आपको जो है फॉल सीलिंग का एरिया मिलता है, फॉल सीलिंग का काम मिलता है। साथ में इधर आप देखेंगे तो वही अपनी क्लॉक, साथ में इधर अपने जो एसी का पॉइंट यहाँ पर दिया गया है। इधर आप देखेंगे तो वही अपनी ड्रेसिंग टेबल काफ़ी खूबसूरत है यार। ठीक है, उसके बाद आप इधर आएंगे तो यहाँ पर आपको सामने की तरफ या सामने की तरफ आपको जो वुडन वार्डरोब मिल जाती है कलर कॉम्बिनेशन आपको पूरा जो एडजस्ट कर दिया गया है। साथ में पूरे हमारे विला में वार्म टोन रखी हुई है, वार्म लाइट जो यूज़ की गई है। तो एक बार मैं आपको स्पेस भी दिखा देता हूँ हमारे इसका वार्डरोब का, तो जैसे नीचे वार्डरोब की सेम टू सेम वही वार्डरोब की डिज़ाइन यहाँ पर है, स्पेस उतना ही है। ठीक है, उसके बाद आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो देख लीजिए बेड के जस्ट सामने इधर लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर आपको मिल जाती है अपनी एलईडी पैनल जिसे आप देख सकते हैं। इधर भी जो है थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है, नॉर्मल साइज़ का 32 इंच की एलईडी आराम से जो है यहाँ पर आपकी आ जाएगी। उसके बाद वही सेम टू सेम जैसे नीचे था डिज़ाइन एक बालकनी यहाँ पर आपको साथ में एक अटैच वॉशरूम वही दोनों यहाँ पर आपको मिलते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ हमारा अटैच वॉशरूम, आइए
तो ये आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम, जो कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। टाइल्स का आप जो है कलर देख सकते हैं, कलर कॉम्बिनेशन कितना बढ़िया है। साथ में वही आपको जो है इंग्लिश टॉयलेट भी मिलता है, फिर आप देख सकते हैं वेस्टर्न सीट है अपनी। साथ में अपने जो है वही जैगुआर की फिटिंग्स है सिंक, साथ में अपना कांच ग्राफ को देख सकते हैं। इधर भी गटर में भी देखो यार, वॉल सीलिंग का काम करी है, मतलब पहली बार देखा है क्या। और आप देख सकते हैं पूरी ब्रांड की जो भी फिटिंग है अपनी, जो पूरा वेंटिलेशन के लिए इधर अपनी विंडो दी गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम हमारी बालकनी में, तो आइए तो यहाँ जाती है हमारी बालकनी। तो देखिए ये आ जाती है हमारी बालकनी, जिधर आपको जो काफ़ी अच्छा खासा वेंटिलेशन मिल जाता है। इधर आप अपने चाहे तो कपड़े वपड़े सुखा सकते हैं, काफ़ी अच्छी खासी धूप आती है इधर, और देख सकते हैं पूरा जो इंटरकनेक्टेड है छत से अपनी। ठीक है, मैं छत पे मैं आपको दिखाऊँ, काफ़ी भयंकर धूप हो रही है। खाली इंटीरियर दिखाना था इसलिए ये अपने इंटीरियर देखें। तो अब चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम में और मास्टर बेडरूम में, जिधर आपको मिलेगी हमारी बालकनी। आइए चलते हैं जिसके जस्ट सामने ही, आइए। तो ये आ जाता है हमारा थर्ड बेडरूम, और देख सकते हैं ये है हमारा मास्टर बेडरूम। और इन जो बाकी दो बेडरूम थे ना, उससे जो सबसे बड़ी साइज जो है इस हमारे इस वाले बेडरूम के। तो इधर आप देख सकते हैं हमारा बेड, ये भी जो काफ़ी अच्छी खासी डिज़ाइन में हमारा बेड है। आप देख सकते हैं कितना प्रीमियम जो है हमारे बेड लग रहा है। साथ में पीछे आप देख सकते हैं अपना जो है वॉल का काम काफ़ी खूबसूरत है, और हमारे वॉल का काम हुआ हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं। साथ में देख लीजिए साइड में अपने ये जो है लैंप लगा के दिए गए हैं, जो कि जो है अपने बेडरूम को चार चांद लगाते हैं। आप जैसे कि आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है यार, मैं तो सुधरों से खरीद लूँ, पर यार क्या करें, बजट इतना नहीं है। अगर आपके पास इतना बजट है तो आप उसको खरीद सकते हैं बिल्कुल। नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, अगर आपको उसकी ब्यूटी पसंद आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताना आप मेरे को। ठीक है, तो ऊपर आप दिखा दो एक और जो मैं फॉल सीलिंग काम देख लीजिए, कितना खूबसूरत जो है हमारे यहाँ पर फॉल सीलिंग काम है। साथ में एक सेकेंड एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये देखो डोर में बंद कर दूँ, उसके बाद यहाँ पर मिल जाती है आपको सामने से वार्डरोब। ठीक है, यहाँ पर छुपा के बना के दी गई है, तो ये छुपाई हुई चीज़ मैं आपको छुपाऊंगा नहीं। यहाँ पर आ जाती है हमारी ये वार्डरोब, जैसे आप देख सकते हैं कितना अच्छा खासा यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाता है। साथ में नीचे की तरफ भी आपको जो वार्डरोब मिल जाती है, तो उसको यहाँ क्या खुल दिखाऊँ। ठीक है, वही अपना यहाँ पर देख लीजिए, ये आता है हमारा भाई साहब टीवी पैनल, इसको बोलते हैं असली टीवी पैनल। यहाँ पर आप चाहे तो पूरा प्रोजेक्टर लगा सकते हो, ऐसा हमारा जो ये टीवी पैनल है। ऊपर आपको वही एसी की जो है यहाँ पर पॉइंट छोड़ा गया है। साथ में इस बेडरूम के साथ भी अपन को एक बालकनी, जो कि हमारी मेन बालकनी होने वाली है, साथ में एक अटैच वॉशरूम मिल जाता है। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको हमारा अटैच वॉशरूम। तो आइए, तो अटैच वॉशरूम में जाने से पहले यहाँ पर आपको देगा इस बेडरूम में एक ड्रेसिंग रूम। ठीक है, तो आप इधर आएंगे, देखो अंदर आए, तो देख लीजिए यहाँ पर आ जाता है हमारा ये ड्रेसिंग रूम, जो कि हमारे अटैच वॉशरूम से जस्ट पहले ही है। ठीक है, और ये देख लीजिए यह आ जाता है हमारा ड्रेसिंग रूम, जिससे कितना खूबसूरत हमारा ड्रेसिंग रूम, काफ़ी अच्छी खासी साइज भी। अगर आपको मैं वार्डरोब दिखाऊं, तो देखिए काफ़ी अच्छी खासी साइज दे रही है, कितना ह्यूज साइज यहाँ पर आपको जो वार्डरोब का मिलने वाला है। साथ में पूरी ड्रेसिंग यहाँ पर आपको मिलने वाली है, जो कि जो हमारी काफ़ी बढ़िया बढ़िया है यार। और ऐसे आपको दो वार्डरोब मिल जाए, क्या पता आपको दिख रही हो नहीं दिख रही हो, वाइड ड्रेस में वाइड एंगल दिख रहा है, पर आप मिल रहा हूँ कि जस्ट सामने यहाँ पर आपको अपने ये मिरर मिल जाता है, जिससे आप देख के सच सवर सकते हैं। शादी में जाए तो उससे पहले यहाँ पर जो आप सच सवर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप दोबारा इधर आएंगे तो उसके जस्ट सामने यहाँ पर आ जाता है हमारा अटैच वॉशरूम। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी काफ़ी अच्छे खासे स्पेस में, तो देख लीजिए ऐसा हमारा स्पेस आने वाला है। और यार यहाँ पर देख लीजिए आप कलर कॉम्बिनेशन हमारी टाइल्स का, देख लीजिए कितना खूबसूरत है। ऊपर आप देखेंगे तो भाई साहब यहाँ पर भी हमारी फॉल सीलिंग का काम करके दिया गया है। भाई मैं तो पहला ऐसा मिला देख रहा हूँ जहाँ पर बहुत काम कटर भाई, क्या अमीरों में लगी सोच लें। उसके बाद देखो यहाँ पर आ जाता है हमारा वही वेस्टर्न सीट, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हमारी वही सिंक, यहाँ पर थोड़ा सिंक टाइम लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कूलर यहाँ पर जो है वही अपनी कार, साथ में लाइट, और देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस साइज में हमारे वॉशरूम होने वाले हैं। चलिए अब दिखाते हैं आपको हमारी बालकनी, जो कि हमारी इस विला की मेन बालकनी होने वाली है, काफ़ी बड़ी वाली बालकनी। ठीक है, तो आप इधर आइए, बार आप उधर जाएंगे तो देख लीजिए, तो बालकनी में जाने से पहले यहाँ पर आपको मिल जाता है मैंने कर्टन, जो कि जो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की हमारी कर्टन है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हटाते हैं अपन, तो ये आ जाता है हमारा बालकनी का रास्ता, जिधर आपको जो सबसे पहले ये अपने CPVC ये जो गेट है वो लगा के दिए गए हैं, जो कि जो काफ़ी प्रीमियम बनाते हैं। जैसे यार बाहर से कोई देखेगा ना तो मतलब काफ़ी प्रीमियम दिखाई जाता है हमारा ये विला। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, तो फोन रखा हो गया, तो देख लीजिए याद होता है हमारे बालकनी का रास्ता। और आप आएंगे अगर हमारी बालकनी में तो आप देखिए बालकनी का बस साइज, आप उधर जाओ, और देखो भाई साहब बालकनी का साइज़ कितनी ह्यूज साइज़ की बालकनी है।
मेरे हिसाब से आराम से 7-8 कुर्सियाँ इजीली आ जाएगी यहाँ पर। उसके बीच है अगर आप यहाँ पर बैठ के एंजॉय करोगे, सामने का नज़ारा देखोगे, तो देखो यार सामने का नज़ारा भाई विला बने हुए, काफ़ी अच्छे खासे लोग यहाँ पर रहते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी जो है यहाँ पर पार्टियाँ रहती है। आप देख सकते हैं सभी विला के बाहर आपको जो है अपना खुद का छोटा सा गार्डन मिल जाता है। एमिनिटीज़ मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, क्लब हाउस, साथ में अपना किड्स एरिया, पानी पूरी यहाँ पर सुविधा आपको हर जगह जो यहाँ पर बोलिंग पूल है, साथ में अपना जो है पार्टी हॉल यहाँ पर आपको मिल जाता है, जिम मिल जाती है, स्विमिंग पूल मिल जाती है। बुक करते हैं लोग 30 फीट और 40 फीट पर हमारी जो विला है, वो कहते हैं इतना बढ़िया विला यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। तो अगर आपको लेना हो, अगर आपको विला पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मैं आपके लिए जो ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ यार। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट ये करो यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करते, साथ में चैनल को सब्सक्राइब।